हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं किसान सम्मान निधि योजना की। जो लिस्ट है किसानों की, वो जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से, तो आप लोग भी अपना चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस है, पूरा इस वीडियो में बताऊँगा। आप लोग अपना लिस्ट देख सकते हैं, लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर नाम है तो आप 6,000 रुपये प्रति साल पा सकेंगे। तो सारी डिटेल्स और जो लिस्ट है मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में आपको देखना कि कैसे आप उस लिस्ट को देख सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी सारी लेटेस्ट इसी तरह की वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए आप, मैं पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, ठीक है। और दोस्तों, जैसे कि बहुत आपको पता ही होगा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार ने हर लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति साल देने का निर्णय किया है। तो उसके लिए अगर आपको आवेदन में दिक्कत हो रही कि आवेदन कहाँ से करें, तो इस बारे में मैं आपको भी डिटेल दूँगा अगली वीडियोज़ में। वैसे आपके अगर यूपी में हैं तो वहाँ आपको लेखपाल आपके गांव में आके लिस्ट खुद बना रहे हैं, या आप लेखपाल से मिल लीजिए। और अगर आप बिहार वगैरह में हैं तो बिहार में तो ऑनलाइन होता है इसका, वहाँ ऑनलाइन अप्लाई की जाती है। तो आप अगर बिहार से तो ऑनलाइन अप्लाई, तो हर प्रदेश का अपना अलग अलग प्रोसीजर है। तो ठीक है, उस पर अभी नहीं जाते हैं, उसमें हम बाद में किसी वीडियो में फिर बात करूँगा मैं। तो यहाँ मैं देखिए आपको बताता हूँ कि लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं। बेनिफिशरी जो किसान हैं तो आप अपनी लिस्ट कैसे देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, होम, अबाउट द स्कीम, गाइडलाइंस, लेटर, सर्कुलर्स और ये सब। तो यहाँ देखिए रेड में जो ऑलरेडी रेड में था पहले से, ये यहाँ पर आपको एलजी डायरेक्टरी जो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही एलजी डायरेक्टरी पर आप क्लिक करेंगे तो एक नई टैब खुलेगी। नई टैब में एक खुल के आएगा उस डिटेल, तो नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो खुल रहा है देखिए। तो जैसे ही नई टैब खुलेगी एलजी डायरेक्टरी एएसपीएक्स की pmkisan.nic.in पर, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा रूरल और अर्बन। तो अगर आप ग्रामीण से हैं तो रूरल चयन करिए, और अगर आप शहरी हैं तो अर्बन सेलेक्ट करिए। तो ठीक है, मैंने रूरल सेलेक्ट किया है। गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ से देखिए अपना प्रदेश आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रदेश हो, बहुत सारे प्रदेश हैं यहाँ पर, कोई भी हो, अरुणाचल प्रदेश हो, अंडमान निकोबार। तो जैसे मुझको अपना यूपी सेलेक्ट करना है उत्तर प्रदेश, तो मैं 4 नंबर पे जाता हूँ, सबसे नीचे ही होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो देखिए ये आ गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में देखिए, मैंने जैसे ही उत्तर प्रदेश में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो फिर ये खुल के आएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो जितने डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, वहाँ से आपका पूरे डिस्ट्रिक्ट खुल जाएंगे। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मेरा डिस्ट्रिक्ट अभी इन ये जो दिखा रहा है आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़ यहाँ पर नहीं है। अगला पेज खोलता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पर मुझे मेरा डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है बांदा। मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही बांदा पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ साइट इस तरह खुल जाएगी। और जैसे ही ऐसे खुलेगी तो यहाँ से देखिए जो आपके ब्लॉक होते हैं तो वो यहाँ पर दिखाएगा। तो देखिए मान लीजिए मैं कोई भी बवेरू ब्लॉक खोल लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए पूरे ब्लॉक के गांव आ गए। तो यहाँ से आप अपना गांव सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कोई से भी एक गांव सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें, मान लीजिए चलिए मैंने ये वाला ही सेलेक्ट कर लिया। तो ये दोस्तों अभी सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मैं बताऊं अभी जो डाटा फीडिंग चल रही है लेखपालों की तरफ से यूपी में, तो अभी वो फाइनल नहीं हो पाया है। जैसे ही वो डाटा फीड कर देंगे अपना पूरा, तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, बिल्कुल वो खुलने लगेगा। अभी देखिए गांव तक खुल रहा है, लेकिन गाँव के जो किसान हैं वो नहीं खुल रहा है, क्योंकि उनका डाटा अभी तक अपलोड नहीं किया गया है लेखपाल या कृषि विभाग की तरफ से। जैसे ही वो लोग डाटा अपलोड कर देंगे तो आप लोग यहाँ से लिस्ट बड़े आराम से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही न्यूज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं जिससे कि आपकी कोई न्यूज़ आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो।